देखिए रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं यहाँ पे, कसौल से 1.5 घंटा दूर हैं। तो कसौल रोड पे पूरा जाम लग गया बिकॉज वन लेन रोड है। पुलिस वाले भैया ने बोला कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो हमने जस्ट वहीं पे एक होटल था। अद्भुत भाई साहब, ये देखो यार, स्नो पीक माउंटेन्स, गजब भाई गजब, मजा आ गया यार। रोड है तो अगर आप 7-8 बज जाते हैं, आपको जैसे आप बुंटूर से राइट लेता, सिंगल लेन रोड है, तो वो जो 30 से 35 किलोमीटर हैं आपके, वो अगर गाड़ियां फंस गई तो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए आपके। तो इसीलिए मैंने रात को वहीं बुंटूर में ही एक थैंक यू प्लीज बैठ जाइए। देखिए पीछे वालों को देखेगा नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम बैक टू बुलेट टाइगर गाइस। तो हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे। मेरे पीछे है अमरीक सुखदेव। अभी बजे हैं सुबह के 7, और अगर सुबह के 7 बजे आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हो अमरीक सुखदेव पे, आलू के पराठे और इतना मोटा मोटा मक्खन डाल के दिया था इन्होंने, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो अभी फिर से देख लीजिए। तो हमारी शुरुआत सुबह की हो गई है, बहुत ही अच्छी। सूर्य देवता बहुत तेज़ आ चुके हैं। दिल्ली गुड़गांव में गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ठंडक में। एक बहुत ही छोटू सा गांव है पार्वती वैली में, कसौल। तो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा कसौल, और कसौल में रह के हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कसौल से हम तोस जाएंगे, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं, पुलगा है, कुलगा है, तुलगा है, और उसके अलावा हम ग्रहण विलेज जाएंगे। ग्रहण विलेज के अलावा वहाँ पे खीर गंगा ट्रैक है जो कि आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो आपको बता दूंगा, गुड़गांव से अगर आप जा रहे हो, पहुँचते हो कसौल, तो टोटल कितना टोल लगने वाला है आपका, कहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सफ़र की हो चुकी है शुरुआत। 536 किलोमीटर है, आधी एक मिनट बेटा, 536 किलोमीटर है यहाँ से कसौल, जो कि हम करेंगे 11 से 12 घंटे लगते हैं, जो गूगल आंटी बताती है। बेटा एक मिनट, तो गूगल आंटी बताती है 11 से 12 किलोमीटर कुछ, लेकिन रुकते रुकते हम शायद 13 से 14 घंटे में पहुँचेंगे। और अगर हम नहीं पहुँच पाए तो हम एक हॉल्ट ले लेंगे, आराम से जाना यार, जल्दी क्या है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जी, पंजाब के रूपनगर से गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब से जैसे ही आप राइट लेंगे तो आपके सामने आएगा हिमाचल प्रदेश का एंट्री द्वार, ये पहला टनल जहां पे लिखा है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आखिर गुड़गांव से कसौल तक की रोड कंडीशन क्या है, कितना टोल हमें देना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ लग सकता है ट्रैफिक जैम। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कसौल आने का तो ये वीडियो है आपके लिए। देखिए ये जो टनल आप अभी देख रहे हैं, ऐसे 4 या 5 टनल हमें क्रॉस करने पड़ेंगे कसौल तक की अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, गुड़गांव से लेकर पंजाब हमने क्रॉस कर लिया है और अब हमने जस्ट हिमाचल में एंट्री की है, और रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। ये देखिए इस पहाड़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी एक लोहे की जाली इन्होंने नीचे तक फेंकी है ताकि कोई भी पत्थर अचानक से गिर कर रोड पर ना आ जाए। रोड कंडीशन बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है, आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। देखिए अब एक सामने आप देख पाएंगे एक दूसरा टनल हमारी तरफ आता हुआ, तो ऐसे 4 या 5 टनल हमें देखने को मिलेंगे। और हिमाचल में आपकी एंट्री के साथ ही आपको नज़ारों की कोई कमी होने नहीं वाली है। आपके दोनों तरफ नदियाँ, पहाड़ और बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे आपके सफ़र में आपके साथ ही बने रहेंगे। देखिए हम जब भी कोई सफ़र करते हैं, हम जब भी किसी सफ़र पर जाते हैं, तो उस सफ़र की खुशी का एक एक पल आपके दिमाग और मन में कैद हो जाता है और आप उस खुशी को ज़िंदगी भर याद करते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 2:15,
और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर कवर कर दिया है। हिमाचल हम पहुंच चुके हैं बट अभी भी बहुत गर्मी है। अभी हम रुके हैं द चूला स्टोरी आहार अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा भोजन पानी कर लेते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले लेते हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे कसौल की तरफ। ये देखिए, ये है आम का पेड़। पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हुए हैं। ये देखिए, तो जी एक मच नीडेड ब्रेक के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं और हिमाचल प्रदेश में दोनों तरफ पहाड़ के ये खूबसूरत नज़ारे, नदियाँ और ये वादियाँ आपकी आंखों को मनोरम दृश्य देती रहेंगी। तो इनको एंजॉय करते रहिए, अपने सफ़र को एंजॉय करते रहिए। और जावेद इकबाल साहब की एक लाइन भी है कि यात्रा एक ऐसी दुनिया है जिसको किताबों में नहीं लिखा जा सकता। तो यात्रा को अगर आपको फील करना है तो उसके लिए आपको यात्रा ही करनी पड़ेगी। तो पहाड़ों के इन मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते लेते आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि रोड अब संकरे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप कसौल के पास पहुंचेंगे, पहाड़ के रोड थोड़े संकरे होते जाएंगे और सामने से आने वाला ट्रैफिक आपकी गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजरेगा। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए सामने से आने वाले ट्रैफिक का, और अपनी नज़र बिल्कुल भी सामने वाले ट्रैफिक से मत हटाइए, क्योंकि किसी भी सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा। तो सुरक्षा के साथ गाड़ी चलाइए और अपनी नज़रें बराबर ट्रैफिक पे बनाए रखिए। ये अच्छा व्यू आ गया। वो देखो ऊपर टनल बन रहा है। तो गाइस वो देखो ऊपर पता नहीं किस चीज़ का टनल बन रहा है, शायद ऊपर से भी रोड जाएगी या कोई ट्रेन या मेट्रो कुछ भी जाएगी। लोग पहुंच गए हैं कुल्लू में। तो देखिए, कुल्लू आते ही वादियों का नज़ारा क्या बदल गया है, पहाड़ कितने खूबसूरत हो गए हैं। और एक बार इस आसमान को देखिए, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। तो देखिए, ज़िंदगी की तरह ये वादियां भी कितनी हसीन हैं। आसमान का रंग नीला तो ज़मीन रंगीन है। सफ़र अगर इतना मज़ेदार हो तो मंजिल की फ़िक्र ही किसे है। देखिए, सफ़र में ही इतना मज़ा आ रहा है तो सोचिए मंजिल पर पहुँच के तो क्या एहसास होगा हमें। बहुत ही खूब ये नज़ारे और बहुत ही खूबसूरत ये वादी। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। दिल्ली और गुड़गांव की गर्मी से तो अब बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। और ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं भुंटर। कुल्लू मनाली के भुंटर में हैं हम। यहीं पर है इकलौता एयरपोर्ट जो कुल्लू मनाली का भुंटर एयरपोर्ट है। और यहाँ पर मौसम बेहद ठंडा हो चुका है, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। और ये नज़ारे पहाड़ों के पीछे देखिए, शायद सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और एक मनमोहक नज़ारा छोड़ के हमारे लिए गए हैं। बादलों में उनकी देखिए, जो थोड़ी थोड़ी किरणें बादलों में से निकल रही हैं, अद्भुत नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा भुंटर शहर का। तो जी, भुंटर से कसौल तक के लिए जो 30 किलोमीटर है वो चैलेंजिंग पार्ट है आपकी इस पूरी ट्रिप का। तो ये जो 30 किलोमीटर का सफ़र है वो एक ऐसी नैरो रोड पे आपको करना है जिसके लेफ़्ट में आपको मिलेगी खाई। तो बहुत संभल के आपको यहाँ पे गाड़ी चलानी है, पूरा फोकस ड्राइविंग पे रखिए, आराम से चलाइए। ये 30 किलोमीटर का पैच मैं बोलूँगा चैलेंजिंग है, भुंटर टू कसौल। तो जी, उम्मीद है आपको ये नज़ारे बहुत पसंद आए होंगे। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग कसौल से 1.5 घंटा दूर हैं। तो कसौल रोड पे पूरा जाम लग गया बिकॉज़ 1 लेन रोड है
तो पुलिस वाले भैया ने बोला कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो हमने जस्ट वहीं पे एक होटल था, होटल चिलमोर। तो हमने अभी होटल चिलमोर में चेक इन कर लिया है, एंड मुझे नहीं पता आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं, बट मेरे पीछे रिवर है, आवाज़ आ रही होगी आई होप आपको। तो यहाँ से आपको एक बार सुबह के नज़ारे दिखाऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी कसौल के लिए, हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में कसौल पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हमारा होटल ऑलरेडी बुक है। तो अभी बस खाना खाते हैं और जल्दी से सो जाएंगे बिकॉज बहुत टायर्ड हो गए, सुबह 4 बजे घर से निकल गए थे। बस सुबह 1 घंटा ट्रैवल करना है और हम होंगे कसौल में, मज़ा आएगा। तो कल से शुरू होगी हमारी मेन जर्नी कसौल की। तो कसौल में बहुत सारे एडवेंचर करने वाले हैं हम, बहुत सारी जगह घूमने वाले हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे विलेज है देखने के लिए, छलाल विलेज है, ग्रहण विलेज है, तुलगा है, पुलगा है, पुलगा है, ये सब विलेज देखने हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम डिनर कर लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे सुबह। सुबह मैं आपको एक बार यहाँ से नज़ारा दिखा दूँगा, क्या नज़ारा है हमारे होटल चिलमोर से, और हम ऑलमोस्ट बस 1 घंटा दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। तो अब आपसे मिलेंगे हम कल सुबह। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग जी, अभी हम हैं बुंटर में और वो सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं देखिए, वो जा रहे हैं कसौल की तरफ। तो ये है वो होटल जो मैंने आपको दिखाया था रात को, सुबह के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। तो देखिए होटल में जब हमने रूम लिया और रूम की फैसिलिटीज़ कुछ उतनी ख़ास है नहीं, तो ये जो होटल है इस होटल को भी पता है कि रात में कसौल जाने के लिए पूरा जाम लग जाएगा और जितने भी टूरिस्ट जाम में फंस के उल्टे आते हैं उनको सबसे पहले मिलता है होटल चिलमोर। तो देखिए ये होटल बस स्टे करने के लायक है, मैं इसको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो बुंटर से कसौल तक का जो 30 किलोमीटर का रास्ता है वो और भी ज़्यादा सीनिक हो जाता है। पहाड़ और नदी बहुत खूबसूरत लगते हैं यहाँ से, बट यही वो रास्ता है जो पूरा जाम लग जाता है रात में। तो अर्ली मॉर्निंग इसको कवर करने का यही फ़ायदा है, बिल्कुल खाली मिलता है ये। तो देखिए ये बुंटर से कसौल तक का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा नैरो है, तो कोई भी बस या ट्रक अगर सामने से आती है तो ऐसा जाम लग जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे कसौल की तरफ बढ़ेंगे रास्ते कुछ और भी इस तरह के ख़तरनाक होते जाएंगे, साथ में पार्वती रिवर बहेगी और कच्चे रास्तों पे आपको चलना होगा। तो यहाँ पे हिमाचल की बस सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो काफ़ी बसेस और ट्रक इस रोड पे आते रहते हैं जिनकी वजह से लगातार जाम लगता रहता है। तो इन रास्तों पे थोड़ा सा संभल के और चलाना है हमें गाड़ी, और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत आते रहेंगे रास्ते में क्योंकि कसौल में अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए पार्वती नदी के खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ साथ, और ये है पूरी पार्वती वैली। तो देखिए किसी भी यात्रा का सबसे खूबसूरत पल यही है जब हम सफ़र में होते हैं, सफ़र की ये खूबसूरत यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे लेकिन फिर भी ये जो सफ़र है ना मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो जो जुनून आपकी बॉडी को मिलता है, जो एड्रेनलिन रश आपकी बॉडी को मिलता है सफ़र करके, उसका तो बस कोई सानी ही नहीं। मज़ेदार नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे, पार्वती वैली, पार्वती रिवर।
तो जी फाइनली अब हम पहुंच गए हैं कसौल। ये है कसौल का मेन स्क्वायर और सामने देखिए स्नो पीक माउंटेन्स का एक बेहतरीन नज़ारा। वाओ, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोगों ने फाइनली कसौल में अपने होटल में चेक इन कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा होटल है कसौल का, द रेनबो इन। पंचतारा एक बहुत ही फेमस कैफ़े है यहाँ का कसौल का, तो बिल्कुल वो पंचतारा कैफ़े हमारे बिल्कुल रूम के नीचे ही है। देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इंपॉर्टेंट, गुड़गांव से लेकर पूरे कुल्लू तक, जो कुल्लू एयरपोर्ट है वहाँ तक का रास्ता बहुत ही स्मूथ है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, इतना टोल लगा मेरा टोटल, ये सब टोल लगा और रास्ते बहुत अच्छे हैं। कुछ 5-6 टनल क्रॉस करने पड़ते हैं आपको इस तरफ आने के लिए। टनल से जैसे आप लास्ट टनल क्रॉस करते हो एकदम से थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पूरा ठंडा हो जाता है थोड़ा। तो कसौल ठंडा है, अच्छी ठंडक है, आप जैकेट पहन सकते हो यहाँ पे एक। और मैं जहाँ अभी बैठा हूँ ये देखिए, यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए मज़ा आ गया। तो जल्दी से अभी फ्रेशन अप हो जाते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने होटल को चेकआउट कर दिया और जो रात को वहाँ पे 1.5 घंटा दिखा रहा था, बट अभी जो मैंने आधे घंटे में वो शायद सफ़र तय किया है, 20 किलोमीटर का जो बचा था मेरा। रोड थोड़ी ख़राब है, सिंगल लेन रोड है, तो अगर आप 7-8 बज जाते हैं, आपको जैसे आप बुंटूर से राइट लेते हैं, सिंगल लेन रोड है, तो वो जो 30-35 किलोमीटर हैं आपके, वो अगर गाड़ियाँ फंस गई तो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए आपके। तो इसीलिए मैंने रात को वहीं बुंटूर में ही एक रूम ले लिया था और अर्ली मॉर्निंग मैं वहाँ से निकला और मेरे को एकदम स्मूथ खाली रोड मिले और हमने टाइमली यहाँ पे चेक इन कर लिया द रेनबो इन कसौल में। तो अभी थोड़ी देर में आपको पूरा होटल भी दिखा दूँगा और अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, मणिकरण साहिब जाएंगे या फिर छलाल विलेज को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे आज। तो आप बने रहिए, जैसा भी होगा हम आपको साथ लेके चलेंगे, मिलते हैं। तो जो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप देखने वाले हैं एक बेहतरीन टाइम लैप्स का नज़ारा, इन वादियों का, इन पहाड़ों का और इन प्यारे से बादलों का। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ख्याल कीजिए। दुनिया के दिलवालों को दिलवाले का सलाम, लेकर आया हूँ प्यार का पैगाम। बंगाल टाइगर कहलाते हैं सौरव, तो मैं भी हूँ दिल्ली वाला कारा।